का दस को आप देख रहे हैं जीनू जीनू लेकर अपनी पूरी पड़ताल के साथ पहुंचे हैं जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज नगर पंचायत में, जो कि काफ़ी शोरगुल मची हुई है इस नगर पंचायत के अंदर। गोलू मिश्रा लोग के रेट लगाते लगाते हमारे चैनल को ये आवाज़ मिली गोलू मिश्रा का। तो गोलू मिश्रा कौन है, यह पड़ताल करते हुए हमारी चैनल आज यहाँ जनपद कुशीनगर के कप्तान नगर पंचायत पहुँच चुकी है, जो कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने गोलू मिश्रा जी हैं। जो आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ की जनता की गोलू मिश्रा का नारा क्यों लगा रही है, क्या रीज़न है और क्या इन्होंने जनता को दे दिया और क्या देने वाला इनसे हम जानते हैं। जी नमस्कार जी सर, मेरा नाम गोलू मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। जहाँ तक पता है कि कार लोग खिला रहे हैं। जी आपका चुनाव चिन्ह क्या कार है? जीप 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 जी। तो जीप आपका चुनाव चिन्ह है, यानी आपने जनता को क्या दे दिया है, कौन सी मंत्र दे दिया कि जो कि हर वार्ड की जनता सिर्फ गोलू मिश्रा चिल्ला रही है? उनके सुख और दुख दोनों में हमें समय से खड़े रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और इस नाते जब भी कोई भी बात हमको सुनने में आती है, कोई भी दिक्कत हो चाहे कोई भी परेशानी हो, किसी का दर्द हो चाहे दुख हो, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस कारण इसी नाते जनता हमें अपना बेटा समझ के वह प्यार हमें दे रही है। तो सर एक चीज़ बताइए, अभी अगर मान लीजिए अगर आप चेयरमैन हो जाते हैं सपोर्टेड, तो अभी मान लीजिए महिला सीट है, तो क्या उस महिला का नाम बताना आप चाहेंगे कि जो इस मेरी माता जी के नाम से पर्चा दाखिला किया गया है, हम उनके बेटे हैं, मंजू देवी नाम है, माता गोलू मिश्रा जी। तो सर अभी जनता को आप क्या और देने वाले, कुछ सौगात देने वाले हैं? जो चेयरमैन बनने के बाद एक चेयर है जो काफ़ी दिनों से खाली पड़ी हुई है टाउन एरिया के अंदर, वह एक ऐसे व्यक्ति की इंतजार कर रही है कि जो आए उसको अच्छे तरह से सजाए और इस नगर पंचायत को गुलाब की फूल की तरह से बनाए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आदर्श नगर पंचायत को एक विकासशील नगर पंचायत बनाया जाएगा, जिसमें हम नगर पंचायत के लिए जिस दिन अगर हम चेयरमैन बनते हैं तो जिस दिन हम शपथ ग्रहण होगा उस दिन हम जनता के लिए 4 एम्बुलेंस सेवाएं एकदम मुफ्त करेंगे उसी दिन। उसके बाद जैसे काशीराम आवास सुंदरीकरण है, प्राथमिकता में है, क्योंकि वो जब से बना है तो उसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया है, तो उसका सुंदरीकरण होगा। और रही बात मैंने बच्चों के भविष्य के लिए CPMT TET IIT की फ्री कोचिंग सेवाएं संचालित की जाएंगी नगर पंचायत के द्वारा, और साल में हर एक किसी भी धर्म की लड़कियां हो उनकी शादी का पूरा खर्च नगर पंचायत के द्वारा उठाया जाएगा। किसी के वहाँ शादी विवाह और कोई भी शुभ अवसर होता है उसमें नगर पंचायत साफ सफाई पानी की व्यवस्था मुफ्त की जाएगी, और मान लीजिए बिजली पानी रोड या तो अत्यादि ये तो जनरल चीज़ें हैं, ये तो होगा। और बच्चों के माने प्रतिभाओं की निखार के लिए मिनी स्टेडियम की स्थापना की जाएगी कप्तानगंज में, क्योंकि लोगों से हम लोगों ने मिला तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो कि मान लीजिए नगर पंचायत है, बहुत बड़ी नगर पंचायत हो चुकी है इस समय तक, और यहाँ पे रेलवे का सुविधा बहुत अच्छा है, बसों का, सरकारी बसों का, यानी जीपों का, स्टैंड वगैरह का बहुत सारा यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे कहीं इस तरह का शौचालय वगैरह का व्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिला है। वह मेरे घोषणा पत्र में पहले से ही है कि नगर के प्रमुख जगहों पर नहाने और शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, यह जगह भी चिन्हित है, और उसके साथ साथ सरकारी बस स्टैंड के लिए ज़मीन भी माने चिन्हित की गई है, जो नगर पंचायत का है, सरकारी ज़मीन है, उसे उपलब्ध करा के शासन से कह के उसे उस जगह को आवंटित कराया जाएगा और बस स्टैंड भी संचालित करवाया जाएगा। तो और लोगों से हम पूछते हैं, गोलू मिश्रा जी को चेयरमैन बनाना प्रत्याशी इकलौता हैं, चुनाव रहे या न रहे उन्होंने निरंतर जनता के बीच में समय दिया है, और समय का ही वजह है कि उनको जनता चुन रही है, क्योंकि या दुख पड़े या किसी संकट में कोई व्यक्ति पड़ा है, चाहे किसी गरीब के वहाँ शादी पड़ा है, उन्होंने वहाँ सदैव जा कर के उनके जो भी कार्यक्रम है उसमें अपना समय देने का काम करते हैं, और नियंत्रण इनका ये है कि इनका जो भी शैली है हमेशा मुस्कुराना और जनता के बीच में रहना, और ये जीतते हैं तो किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो गरीब परिवार से कोई आवे, चाहे कोई भी आता है, चाहे महिला भी आती है, चाहे एक बच्चा भी आता है, तो गोलू मिश्रा से बात कर सकता है, और गोलू मिश्रा उसको कुर्सी देकर बैठाने का काम करेंगे, उनकी बातों को सुनने का काम करेंगे, उनके हर समस्याओं का निवारण करने का काम करेंगे। आप हमें बता दीजिए, आपको ऐसा लग रहा है मान लीजिए नगर पंचायत में काफ़ी दिनों से चुनाव चल रहा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, वादा करते हैं, वादा करके चले जाते, चुनाव के बाद सब लोग सारे वादे को भूल जाते हैं, आपको क्या लग रहा है कि गोलू मिश्रा ऐसा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। गोलू मिश्रा बहुत अच्छे आदमी हैं और इनको चारों तरफ से लोग अच्छे कह रहे हैं, और कोई भी काम होता है तो
तो गोलू मिश्रा पहले आ करके उनको पूछते हैं कि आपकी परेशानी क्या है। तो गोलू मिश्रा सुन करके जाते हैं, और फिर भी कोई बात भी बीमारी होता है या एक्सीडेंट होता है तो गोलू मिश्रा ब्लॉक या हॉस्पिटल चौपाने का काम करते हैं। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोग गोलू मिश्रा जी से यहाँ पे मिल करके बात कर रहे हैं। आइए कुछ यहाँ पे और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं किसी और को कि जी सर नमस्कार, मेरा नाम विशाल तिवारी है। बता देना चाहेंगे हमारे जो गोलू मिश्रा जी हैं युवा नेता हैं और कंधे से कंधे मिलाकर कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। झांझवा टोला पे आग लगी थी तो आग बुझाने का काम गोलू मिश्रा ने किया था और हम लोग के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। हम चाहेंगे कि इनको वोट दे के आप लोग भारी मतों से विजयी बनाएं। जैसे कि युवाओं के एक सांस बन चुके हैं जी। आज भी किसी भी मध्यम परिवार का या गरीब परिवार के लड़की की शादी हो तो लाखों रुपए का मैरिज हाल, और ये इन्होंने अपने एजेंडे में ये रखा है कि ऐसा दो जगह विवाह भवन और ये बनाएंगे कि किसी भी जगह, ये देख रहे हैं बरसात हो रही है ना, कि लाखों खर्च ना हो, वो अपना मध्यम परिवार उसमें अपना एक मतलब एक कहा जाए धर्मशाला या मैरिज हाल ऐसा बनाएंगे जो कि गरीब लोग भी उसको, हर समुदाय के लोग चाहे गरीब हो चाहे अमीर उसको यूज कर सकता है। ठीक है दर्शकों, आगे और भी इनकी खबर आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आए हैं कदम में कदम मिला करके एक त्योहार समझ करके अपने बेटा अपने भाई अपने साथ चलने वाले कदम में कदम मिला करके चलने वाले गोलू मिश्रा को आने वाले 4 तारीख को इतना वोट दे दीजिए, इतना वोट दे दीजिए कि कप्तानगंज में वोट पड़े और प्रदेश में कहना जाए कप्तानगंज यादव नगर पंचायत कप्तानगंज में जीत चुनाव चिन्ह जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। ये हम आपसे निवेदन करते हैं, यह संभव नहीं है जी। अपनी अपनी बात अपनी अपनी विचार आपको रखेंगे और अपनी अपनी बात बताएंगे और सभी लोगों का सम्मान है, सभी लोगों का आदर है। एक छोटे से 4 लाइन पढ़ने के बाद अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। साथियों कहना है